प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, हमको रोज़ाना ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करना है, पढ़ना है, लिखना है और आगे बढ़ना है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुगम भारती या तब 5वीं का 8वां पाठ। उसका टॉपिक है माँ, ये एक कविता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा लेसन शुरू करने से पहले हम छोटा सा वीडियो देखेंगे, क्या आप देखना पसंद करोगे? यस टीचर। गुड, सिर्फ आपको देखना है और ध्यान रखना है शुरू से आखिर तक, फिर हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे। क्या हो रही थी अभी? बारिश गिर रही थी। हाँ, फिर अचानक बारिश रुक गई। रुक गई ना। हाँ, Yes. देखते हैं आगे। बच्चा खुश क्यों हुआ, किसे देखकर खुश हुआ? अपनी माँ को देखकर। वेरी गुड। माँ ने क्या किया था? उसके सिर पे अपने पर फैलाए थे। हाँ, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बारिश से भीगने से बच गया। तो प्यारे बच्चों, माँ इसी तरह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और उन्हें हर मुश्किल से बचाती है। ठीक है, बेटा, माँ जो होती है वो दुनिया भर के कष्ट सहकर भी अपनी संतान, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधाएं देती है। अभी आप देखेंगे क्या नजर आ रहा है आपको? एक माँ अपने बच्चे को कंधे पे लेके पकड़ी है। वेरी गुड। माँ ने जो है अपने बच्चे को कंधे पर लिया है। इसी तरह सारे बच्चे अपनी माँ के पास रहते हैं और इसी तरह माँ जो है अपने प्यार से, दुलार से अपने बच्चों को बड़ा करती है, अच्छे से अच्छी सुविधाएं देती है ना? अपने बच्चों से वो बहुत प्रेम करती है। क्या आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो, प्रेम करते हो? यस टीचर। हाँ, वो भले ही खुद भूखी रह जाए लेकिन अपने बच्चों को भूखा कभी नहीं रखती। वो सारे कष्ट उठाकर भी अपने बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखती है। ठीक है, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देखेंगे क्या नजर आया? माँ माँ लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हम जो है आपको इस कविता का थोड़ा सा परिचय देंगे। ठीक है, माँ को प्रेम व करुणा का प्रतीक माना गया है। माता की महिमा को कौन नहीं जानता? माता का प्यार दुलार पाकर ही तो हम बड़े होते हैं। उसकी शिक्षाएं हम में सद्गुणों का विकास करती है। इस कविता में माता की महानता का वर्णन किया गया है। किसने किया है वो? लिखने वाले कौन है, लेखक? रमेश यादव। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा चित्र दिया गया है जिसमें हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, आसमान है, हवाएं चल रही हैं ठंडी, है ना? तो यहाँ पर इस चित्र में रमेश यादव अपनी माँ को समाते हैं, माँ का ढांचा देखते हैं, है ना? तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रकृति का प्रारूप हो तुम, प्रकृति का प्रारूप हो तुम। आगे है, माँ जगत का रूप हो तुम। पहली लाइन हम पढ़ेंगे, दूसरी लाइन आप पढ़ोगे। प्रकृति का प्रारूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। वेरी गुड। अब बच्चों, प्रकृति यानी क्या? कुदरत। कुदरत और संसार, नेचर, वर्ल्ड, है ना? इस तरह से उसका रूप माना गया है माँ को। और माँ जगत का रूप हो तुम। जगत यानी क्या? दुनिया। दुनिया, संसार, वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर इन दो जो पंक्तियां दी गई है इसमें माँ को कहा गया है तुम ठीक वैसी हो जैसे ये प्रकृति है, तुम संसार की भांति हो। इस तरह से रमेश यादव कवि ने कहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? समुंदर।
हाँ, समंदर नजर आ रहा है, एक माँ है अपने बच्चे के साथ। अब देखो, ममता का सागर हो तुम, समता की गागर हो तुम। ममता का सागर, सागर यानी समंदर, प्यार का समंदर है माँ। उसके बाद क्या लिखा है, समता की गागर हो तुम। गागर हो तुम। समता यानी क्या, एक समान, एक जैसा, जिसमें कोई फर्क नहीं होता, बराबरी वाला। उसके आगे देखते हैं हम, सरल सहज स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। बेटा यहाँ पर आप देखेंगे माँ की विशेषताएं बताई गई है, सरल सहज स्वरूप यानी उसकी खूबियां बताई गई है कि माँ जो है वो बिना बनावट वाली, बिल्कुल आसान स्वाभाविक होती है। और माँ क्या है, जगत का रूप है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही है। वेरी गुड। अब हम देखते हैं, संस्कारों की ज्योति जलाती, जीवन का आधार सजाती। फिर से हम पढ़ेंगे, आप लोग रिपीट करोगे। संस्कारों की ज्योति जलाती, जीवन का आधार सजाती। आगे देखते हैं हम, ऐसी अजब अनूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। ऐसी अजब अनूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। बेटे यहाँ पे लिखा है, संस्कारों की ज्योति जलाती। संस्कार यानी क्या, बोलो, अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम, अच्छे गुण, है ना। ज्योति यानी रोशनी, हमारी जिंदगी में वो रोशनी भर देती है ना, और हमारी जिंदगी को संवारती है। ऐसी अजब अनूप हो तुम, कैसी हो, ऐसी अजब अनूप हो तुम, अनूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। वेरी गुड। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि, तुम अपनी संतानों में संस्कारों की ज्योति जलाती हो, कौन, माँ, उन्हें गुणों और होनहार बनाती हो। जो अच्छी बातें सीखकर बच्चे बड़े होकर महान बनते हैं, वे बातें तुम ही उन्हें सिखाती हो। और माँ सचमुच तुम सबसे न्यारी हो, अनोखी हो, तुम संसार की भांति हो, है ना। इस तरह से कवि जो है माँ की प्रशंसा कर रहा है, तारीफ कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको कौन सी तस्वीर नजर आ रही है, निजामे शमसी। वेरी गुड। हमने ये पढ़ा था ईवीएस में, है ना, निजामे शमसी। लेकिन निजामे शमसी में कोई नजर आ रहा है, एक माँ है और एक बच्चा। बच्चा है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। माँ ब्रह्मांड स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। फिर एक बार सुनेंगे आप लोग, माँ ब्रह्मांड का स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ब्रह्मांड यानी क्या, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, निजामे शमसी, है ना। यहाँ हम देखेंगे, शायर कहता है यानी कवि कहता है, माँ तुम ब्रह्मांड की तरह हो, पूरे जग की तरह, यानी उसमें तुम्हारी ही झलक दिखाई देती है, तुम सचमुच इस जगत का रूप हो। ठीक है, इस तरह से कवि का नाम क्या है, रमेश यादव। वेरी गुड। हाँ, अब आगे देखते हैं हम, शब्द अर्थ इसमें कविता में आए जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ हम देखेंगे। पहला शब्द है प्रकृति, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ, कुदरत, धरती आदि। वेरी गुड। उसके आगे हम देखते हैं प्रारूप, उसके जैसा ही रूप। वेरी गुड, बिल्कुल उसी की तरह जैसे सारी दुनिया बनी है, खूबसूरत है ना। जगत, संसार, दुनिया। हाँ, वर्ल्ड, पूरी दुनिया। सागर, समुद्र, दरिया। हाँ, जैसे सागर, आपको पता है जब हम, आपने देखा होगा सागर, तो
यस टीचर। हाँ, तो आपने देखा होगा कि सागर दूर दूर तक फैला होता है, जिसकी कोई सीमा हमें नजर नहीं आती। दूर अगर हमारी नजर पड़ती है तो वहां पर आकाश नजर आता है, लेकिन हमको सागर का किनारा नजर नहीं आता। बिल्कुल सागर के भांति माँ भी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, जिसका कोई अंत नहीं होता। समता, समानता, बराबरी। वेरी गुड। बिना बनावट वाली, यानी बिल्कुल बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करने वाली, समानता रखने वाली। सरल, आसान। आसान, वेरी गुड। सहज, स्वाभाविक, बिना बनावट का। बिना बनावट वाली, कोई फर्क नहीं करने वाली, है ना। आगे है सुरूप, अच्छा रूप, यानी खूबसूरत। माँ को अच्छा रूप कहा गया है। उसके बाद है संस्कार, गुणों और शिक्षाएं। शिक्षाएं, अच्छा आप बताएंगे, माँ अगर शिक्षाएं दे रही हैं तो और कौन आपको शिक्षा देता है? टीचर। वेरी गुड। क्या आपको लगता है कि आपका टीचर माँ की तरह है? यस। वेरी गुड। तो बेटा, जिस तरह आपकी माँ आपके लिए आपसे मोहब्बत करती है, आपको अच्छी तालीम देती है, अच्छी शिक्षाएं, अच्छी आदतें सिखाती हैं, उसी तरह आपके उस्ताद भी आपको अच्छे से अच्छे गुण आप में आए, अच्छे तालीम आप हासिल करो, शिक्षा हासिल करो, वो कोशिश करती है। आगे है ज्योति, प्रकाश। प्रकाश यानी आपके जिंदगी में वो सारे अंधेरों को, सारी तकलीफें और परेशानियों को दूर करके प्रकाश भर देती है, रोशनी भर देती है। अजब, निराला। निराला, बिल्कुल अजब, सारी दुनिया से अलग है माँ। अनूप, अनोखा। बिल्कुल अनोखी है हमारी माँ, वेरी गुड। आगे है ब्रह्मांड, विराट विश्व, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वाध्याय पे चलते हैं। कोष्टक के उचित वर्ण से रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर आपको वर्ण दिए गए हैं, जिससे आपको रिक्त स्थान यहाँ पे शब्दों के बीच में लिखना है और शब्द को पूरा करना है। ठीक है, रेडी है आप लोग? यस टीचर। हाँ चलिए, पहला क्या आएगा? फर्स्ट है सी लिखा है और आगे रिक्त स्थान है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? ए। ए, ए सी, वेरी गुड। सेकंड है ज डैश त, ग, वेरी गुड। ज ग त, जगत। आगे है जो, ती, वेरी गुड, ज्योति, है ना। अब नेक्स्ट है डैश डैश प, सुरू, वेरी गुड, सुरूप। उसके आगे है डैश वन, जी, जी वन, वेरी गुड। आगे है, आगे भी डैश है, पीछे भी डैश, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, कौन से वर्ण लिखेंगे हम? स और र, संस्कार, वेरी गुड। आगे अब चलते हैं हम डैश डैश र, आधा, आधार। उसके आगे है और डैश प, नू, नू लगाएंगे, वेरी गुड, अनूप। ठीक है, इस तरह से हमारा ये स्वाध्याय का पहला जो था हिस्सा वो पूरा होता है। इसको हम अच्छी तरह से लिखेंगे, कम से कम 5 टाइम आपको लिखना है। नेक्स्ट है उत्तर लिखो, जगत का रूप कौन है? जगत का रूप माँ है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ देखो, माँ जगत का रूप है, बोलो, माँ जगत का रूप है, वेरी गुड। माँ किसकी ज्योति जलाती है? माँ संस्कारों की ज्योति जलाती है, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलो दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखना है। यहाँ पर आपको तीन ये ऑप्शन दिए गए हैं, पर्याय दिए गए हैं, जिसको चुनकर लिखना है। पहले हम आपको बोलेंगे, फिर आप सही आंसर हमको बताओगी। माँ जगत का डैश ज्ञान है, प्रकाश है, रूप है, रूप है, वेरी गुड। माँ जगत का रूप है, देखो सही आंसर सिलेक्ट हो चुका है, आपने राइट आंसर दिया, गुड।
माँ जगत का रूप है। सेकंड, माँ जीवन का डैश दीपक जलाती है, आधार सजाती है, फूल खिलाती है। आधार सजाती है। वेरी गुड, आधार सजाती है। देखो, माँ जीवन का आधार सजाती है। नेक्स्ट है, माँ समता की डैश सरिता है, मूर्ति है, गागर है। गागर है। वेरी गुड, देखो सिलेक्ट हो गया आंसर। यस। हाँ, माँ समता की गागर है। चलो अब हम आगे चलते हैं। विशेषण यानी एडजेक्टिव। हमने आपको पहले ही बताया था कविता में कि कवि ने जो है माँ की विशेषताएं बताई है ना, तो हमको विशेषण चुनकर लिखना है। अब विशेषण की परिभाषा क्या है वो हम आपको बताएंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा इस्म, है ना, खूबी। विशेषण यानी क्या, खूबी बताने वाला शब्द, जैसे काला, बड़ा, दयालु, कायर आदि, प्यारा, है ना, मीठा, खट्टा वगैरह, यानी कोई भी चीज की उसकी खूबी बताई जाए। नेक्स्ट है, अब आप बोलोगे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता हमने अभी पढ़े थे ना, तब हम उसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना, और इंग्लिश में उसको कहते हैं नाउन, और उर्दू में इस्म। उसके भी अलग अलग भेद हैं जो हमें बाद में पढ़ेंगे। अब सर्वनाम, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, उसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, वे, हमारा, यानी यहाँ पर नाम नहीं लिया जाता है, संज्ञा का इस्तेमाल नहीं होता है, उसकी जगह पर क्या यूज हुआ, तुम, वे, हमारा, वे, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, इस तरह से इत्यादि जो है यूज होता है। तो संज्ञा और सर्वनाम, है ना, कि विशेषता बताने वाला वर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है, विशेषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। वेरी गुड। चलो अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे समीर ने मीठे आम खाए। समीर ने कैसे आम खाए, मीठे। यहाँ पर आम की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे हैं, मीठे हैं, है ना। अब सेकंड सेंटेंस में देखो, वह सुंदर है। वह यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया, है ना, संज्ञा का यूज नहीं किया गया, उसकी जगह कहा गया वह, तो कोई तो होगा वह, यानी आपकी अम्मी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती है, वह सुंदर है, है ना। तो सुंदर जो है वो विशेषण हो गया। पहले वाक्य में मीठे शब्द आम संज्ञा की विशेषता बता रहा है, दूसरे वाक्य में सुंदर शब्द वह सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, इसलिए मीठे और सुंदर शब्द यहाँ विशेषण हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, भाषा का ज्ञान एवं व्याकरण जो है वो हमको समझ में आना चाहिए। हर लैंग्वेज में हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब देखते हैं कविता में माँ के लिए किन किन विशेषणों का उपयोग हुआ है। देखते हैं हम कविता में माँ के लिए सरल, सहज, अजब और अनूप आदि विशेषणों का उपयोग किया गया है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर है आपको एक खाका दिया गया है, एक जिसके अंदर बीच में अगर आप देखें तो क्या लिखा है, माँ, माँ, और कुछ साइड में आपको देखो शब्द दिए गए हैं। अब आपको इन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने हैं। क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं, और उन वाक्यों को लिखने के बाद आपको ग्रुप पर सेंड करना है, ठीक है। हम तैयार करते हैं माँ पर वाक्य। यस टीचर। ओके, पहले हम नाम लेते हैं। मेरी माँ का नाम डैश है ना,
यानी आप अपने अम्मी का नाम लिखोगे। दूसरा हम लेते हैं प्यार। माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। वेरी गुड। इस तरह से हमको सारे शब्दों का यूज करते हुए उसके वाक्य बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, सब बच्चों को मिलजुल कर पढ़ना है, एक दूसरे की मदद करना है। लॉकडाउन चल रहा है लेकिन हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, हमको पढ़ते रहना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।